हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, टाटा मोटर के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक कारें और एसयूवी शामिल है। और जहां तक टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन की बात करें, तो ये अपने सेगमेंट में बहुत ही धमाल मचा रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसे कस्टमर्स का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल वेरियंट में अवेलेबल है, 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल है। और साथ ही टाटा नेक्सॉन EV भी अवेलेबल है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और टाटा नेक्सॉन EV को भी कस्टमर्स का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों। और इसके साथ ही टाटा नेक्सॉन के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि टाटा मोटर बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाली है टाटा नेक्सॉन CNG वेरियंट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है जोरों शोरों से। CNG वेरिएंट में लॉन्च होने के बाद टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट में सबसे वर्सेटाइल कॉम्पैक्ट एसयूवी रहने वाली है दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा नेक्सॉन में अभी तक आपने देखा होगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड AMT गियरबॉक्स, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और बहुत जल्दी टाटा नेक्सॉन में अवेलेबल होने वाली है DCT का ऑप्शन, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, जो कि ऑलरेडी हुंडई वेन्यू और किया सोनेट में अवेलेबल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, टाटा नेक्सॉन CNG वेरिएंट से पहले टाटा मोटर लॉन्च करने वाली है बहुत जल्दी टाटा मोटर की एंट्री लेवल हैचबैक टाटा टियागो CNG एंड टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान टाटा टिगोर CNG वेरिएंट। जहां तक टाटा नेक्सॉन CNG वेरिएंट की लॉन्च डेट की बात करें, तो एंड ऑफ 2021 और अर्ली 2022 तक ये लॉन्च हो सकती है। आपका इंतज़ार लंबा हो सकता है दोस्तों। टाटा नेक्सॉन CNG वेरिएंट से पहले टाटा नेक्सॉन DCT वेरिएंट लॉन्च करने वाली है फेस्टिव सीजन 2021 में। चलिए अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन CNG वेरिएंट में इंजन की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा नेक्सॉन CNG वेरिएंट में आपको मिलने वाली है BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आप पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 86 BHP की पावर एंड 113 NM का पीक टॉर्क जनरेट करने वाली है। ट्रांसमिशन आपको मिलने वाली है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और जहाँ तक माइलेज की बात करें, तो एक्सपेक्टेड माइलेज है 30 KM/kg की माइलेज, जबकि नेक्सॉन पेट्रोल वेरिएंट में आपको मिलता है BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। वहीं डीजल वेरिएंट में आपको मिलता है BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन। और इसके साथ ही टाटा नेक्सॉन CNG वेस्ट रहने वाली है नेक्सॉन XE और XM वेरिएंट वे। और जहां तक फीचर्स की बात करें, तो टाटा नेक्सॉन CNG वेरिएंट में आपको फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट में देखने को मिलेगा, LED डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हैलोजन बल्ब का कॉम्बिनेशन, फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं होने वाला है। और इसके रियर प्रोफाइल में आपको मिलने वाली है LED टेल लैम्प यूनिट, जो कि सभी वेरिएंट में पहले से ही स्टैंडर्ड मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी फीचर्स XE और XM में मिलते हैं, वो सभी आपको CNG वेरिएंट में मिलने वाली है। नेक्सॉन CNG वेरिएंट की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें, तो इसकी प्राइसिंग 32,000-35,000 एक्सपेंसिव रहने वाली है रेगुलर वेरिएंट की। ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट टाटा नेक्सॉन CNG और DCT वेरिएंट से रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।